हाँ। फिर आज से कल दिन रात परसों 6 बजे के बाद व्रत टूटेगा। चले हाँ। चले हाँ। पक्का हाँ। हाँ, मटर हाँ। नमस्कार जी, स्वागत करते हैं हम आपका नए ब्लॉग में। इस नए ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हम इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे जो आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है आप वहां पर फॉलो कर लीजिए। वहां हम डेली लाइव आते हैं और आप सबसे ढेरों बात करते हैं। जी, इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे जितिया पर्व के बारे में। इस जितिया पर्व को हम लोग के पूर्वांचल साइड महापर्व कहा जाता है। छठ के बाद एक तरह से कहिए सबसे जो महत्वपूर्ण पर्व है हम लोगों के साइड, कठिन पर्व, क्योंकि इसमें आप नहाए खाए के दिन आप खा सकते हो, लेकिन जैसे माँ बताई कि रात के 9 बजे से लेकर के दूसरे दिन जितिया पर्व के दिन और सुबह के 6 बजे तक बिना पानी का रह जाता है। और जी, हम यहाँ स्नान करके आ गए हैं और थोड़ा बहुत जो होता है श्रृंगार वो मैं कर रही हूँ। यहाँ पैर में मैं अलता लगा रही हूँ, नेल पेंट लगा रही हूँ, उतना तो मुझे समझ है नहीं, लेकिन जितना समझ है मैं कर रही हूँ। और मुझे जल्दी जल्दी करना था क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, खाना भी बनाना था और हमारे यहाँ नहाई खाई के दिन मछली बनता है, तो हम मछली बनाएंगे और आपको रेसिपी भी बताएंगे कैसे हम बना रहे हैं। फिर जी, मैं मछली लेने के लिए मार्केट जा ही रहा था और जैसे ही मछली लिए बाहर निकल रहे थे, ये भाई साहब दिख गए हमको। तब ये भाई साहब दिख गए तो हम कहे भाई साहब आप ही मछली दे दो, आप ही से मछली ले लेते हैं। और भाई साहब ने जी मछली को बड़े अच्छे से काट दिया और इसका अच्छा अच्छा पीस भी बना दिया। ये मछली हम तो नहीं खाते हैं, घर में पापा और जिया को खाना था तो इसीलिए मछली आ रहा था। अब प्लीज़ आप में से कोई लोग भी ऑफेंड नहीं होइएगा, हमारे यहाँ का कल्चर है, हमारे यहाँ मछली बनती है। तो जी मछली का पीस अच्छे से बन गया, उसके बाद जिया देखिए मछली बनाने की क्या क्या तैयारी कर रही है। फिर जी मेरी बारी आई मछली बनाने की, तो मछली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मसाला तैयार किया। मसाले में मुझे चाहिए प्याज और लहसुन, लहसुन का मात्रा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। उसको मैंने अच्छे से पहले लहसुन और प्याज को काट लिया है, फिर उसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है, तो मैं पेस्ट बना रही हूँ। और पेस्ट बनाने के बाद उसमें चाहिए धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और खड़ा जीरा, फिर उसको हम एक बार अच्छे से फिर से पीस लेंगे। जब तक हम इधर मसाला तैयार कर रहे थे, उधर डैडी मेरा मछली अच्छे से धो करके और उसमें हल्दी मिला करके रख दिए थे। और अब जी आई बारी मछली फ्राई करने की, तो मछली फ्राई करने के लिए मुझे चाहिए सरसों का तेल। तो यहाँ कढ़ाई में हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गैस पे और सरसों तेल डाल करके मछली फ्राई कर रहे हैं। मछली फ्राई थोड़ा सा कठिन है, उतना भी नहीं है, मुझे उतना अनुभव नहीं है, इस वजह से हमें कठिन लग रहा है। तो यहाँ पे मछली फ्राई करने के लिए सरसों का तेल जब तक गर्म नहीं हो जाए पूरा, उसमें मछली नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यदि पहले ही आप मछली डाल दोगे ना तो चिपकने लगेगा और टूट भी जाएगा मछली तुरंत। तो जब तक पूरा तेल नहीं गर्म हो तो आप मछली नहीं डालें और अच्छे से उसको फ्राई करें एकदम लाल करके, फिर ही आपका मछली बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। जब यहाँ मेरा पूरा मछली फ्राई हो गया तो बचा हुआ जो तेल था उसमें खड़ा जीरा डाल दिया मैंने और टमाटर, कटा हुआ टमाटर डाल के उसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे और फिर जो मैंने मसाला तैयार किया था उसमें डाल देना है और मसाले को अच्छे से फ्राई करना है और 2-2 मिनट पे चलाते रहना है, नहीं तो मसाला आपका चिपक जाएगा। फिर जी इसमें मैं डाल रही हूँ नमक और थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि पहले भी मछली में हल्दी डाल दिए हैं। और जब आपका पूरा मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए तो अब ग्रेवी के लिए आप जितना भी, यदि ज़्यादा पानी वाला चाहते हैं ज़्यादा पानी डालें और नहीं तो थिक ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी डालें। उसके बाद मेरा ग्रेवी बनके तैयार हो गया, तो फिर मैं इसमें डाल दी हूँ मछली और जब मछली को 5 मिनट तक उसमें उबलने दें और ये मेरा मछली बनके तैयार हो गया। फिर जी जब मछली तैयार हो गया तब उसके बाद जिया लेकर के चलेगी पापा के पास, लेकिन उनके पास कैमरा लेकर के नहीं जा पाए क्योंकि हिम्मत नहीं होती है जी उनके सामने थोड़ा कैमरा लेकर के जाने। माँ के साथ तो शूट कर लेते हैं और अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन डैडी के सामने बहुत डर लगता है, हमको भी लगता है, इनको तो कुछ ज्यादा ही लगता है। तो जी, लेकिन जब मेरा दोस्त आया एक, जिसको आप वीडियो में अभी देख रही है, ये मेरा दोस्त है बचपन का सिर्फ, तो ये भी घर आ गया था तो इसको भी मछली खिला दिए, उसको भी बहुत अच्छा लगा। उससे हम पूछते भी रह रहे थे बीच में कैसा लगा जी, आखिर पत्नी खाना बनाइए तो थोड़ा सा तो अपने मुँह से भले नहीं करे तारीफ, लेकिन कोई और तारीफ करता है तो एकदम गोलगप्पा बन जाते हैं। और लग रहा था कि यही बनाए, इतना ज्यादा उनसे पूछ रहे थे तो बताओ कैसा लगा खाने में, वो क्या बोल रहे वो भी सुनो आप। ऐसा लग रहा शादी में मिली। और बताओ भाभी जी कैसा बनाई मछली? जबरदस्त बना है। खाना तुम खा रहा है लेकिन बहुत कम। मैं भाई आजकल डाइटिंग चल रहा है, लॉकडाउन देख रहा, हालत खराब कर दिया। डाइटिंग में ये हालत है तुम्हारा? हाँ भाई। भाई साहब
अभी एक टाइम का खाना चल रहा है भाई, क्या बोले। अच्छा अभी तो ये जबरदस्ती है, चलो यार दोस्त के आए हैं, सोचे बहुत बोल रहा है तो खा लेते हैं। अरे भाभी भी याद रखेगा तो कम से उनका बात। भाभी जी ही पूछी और अभी हमको भेज दिया डांट के, तुम कुछ पूछता है नहीं, खाली बैठा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर जी जब शिव ने खाना खा लिया तब शिव को लेकर के चले गए छत पर, और जब छत पर हम लोग पहुंचे दोनों बचपन के दोस्त अपना बचपन के किस्से कहानी करने लगे। और जी इसका पूरा पार्ट अभी नहीं डालेंगे, क्या बातचीत हुई हमारे बीच में, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग बातचीत है, इस पर एक अलग व्लॉग ही बना दिया है, तो आप लोग उस व्लॉग को देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। तो जी जब हम लोग बात कर रहे थे उसी बीच में क्या हो गया कि मम्मी का कॉल आ गया कि मम्मी बताई कि वो आ रही है, तो हम लोग जल्दी से चौक चले गए हम और शिव मिल करके। अभी शिव को फिर पहले बात कर रहा था कि माँ से मिलना था, तो फॉर्चुनेटली माँ का कॉल अभी आया कि वो आ रही है, उनको लेने आ जाए, तो शिव भी था साथ में, तो मौका मिल गया मिलने का। मिल के जाएगा तो अभी माँ का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, तो माँ जब आएगी तो घर लेकर के चलेंगे उनको। हम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं मेरी माँ का, हम और शिव आए हुए थे यहाँ पर, ये भाई साहब आए, क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु कुमार। तो हिमांशु जी आए, ये बता रहे थे कि ये हमको टिकटॉक के टाइम से जानते हैं, तो अच्छा लगा मिलकर आपसे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फिर मम्मी आई और शिव और मम्मी में बातचीत हो गई, वैसे भी इन दोनों में बहुत बनती है, माँ भी बहुत ज्यादा मानती है शिव को। वो जब आए थे ना तो बोल रहे थे कि माँ से मिलना था, लेकिन हम बोले कि शाम में आएंगी माँ, तो लेकिन जैसे देखिए भाग्य कितना अच्छा था कि माँ भी आ गई, उनका तुरंत कॉल आ गया इनके निकलने से पहले, तो उनका मुलाकात भी हो गया। हमारा आना फिर ठीक है, चलो बाय। फिर जी जब माँ घर आई तो माँ से सारा लिस्ट बनवा लिए जो भी पर्व के लिए उनको सामान चाहिए था, फिर मार्केट निकलने की तैयारी करने लगे। अब निकलना भी है या बस तैयार होते रहना है? ये 2 मिनट जो है पिछले 20 मिनट से 2 मिनट सुन रहे हैं। तो जी आज हमें जितिया की खरीदारी करनी है, तो उसी लिए हम लोग जा रहे हैं, काफी महत्व है इस पर्व का, और हम जो पैदा लिए थे इसी पर्व के आसपास ही लिए थे, उसके पारण दिन जिस दिन व्रत खोला जाता है उस दिन हम जन्म लिए थे। वाह तुमको बहुत मालूम है। माँ बताई थी जी जितिया की तो खरीदारी करनी ही थी, लेकिन थोड़ा बहुत सोचे कि अपना जो जरूरत का सामान है वो भी खरीद ही लेते हैं, तो असल में हमें लेना था नोटिस बोर्ड, और नोटिस बोर्ड जो है मतलब मिला नहीं ढंग का यहाँ पर, तब सोचे कि बाद में ऑनलाइन ही हम लोग खरीद। कहाँ मिलेगा? यहाँ नहीं मिल रहा है, बोल रहे हैं यहाँ से दो दुकान आगे। फिर जी हमें खरीदना था पूजा का सामान, तो जिया बेचारी ढूंढ रही थी इधर उधर जो भी चीज पूजा के लिए खरीद सकती है। जी अभी हम आए हुए थे मार्केट, और इसको पट्टी मार्केट कहा जाता है, यहाँ पर कुछ खरीदारी करनी थी जितिया पर्व को लेकर के, कुछ खरीदारी हुई है, बाकी कुछ और भी खरीदारी करना है, तो चलते हैं जी। में से बहुत लोग पूछते हो ना कि आप अपने बाल में कौन सा ऑयल यूज करते हो, तो जी यही निहार का कोकोनट ऑयल हम यूज करते हैं। खरीदारी का दौर जारी है, दो चीज ढूंढ रहे अभी तक नहीं मिला। फिर जी रास्ते में जिया को देख गया एक शॉपिंग मॉल, तो जिया कहती है चलो मुझे यहाँ से कुछ ड्रेस खरीद दो, तो हम चले गए जिया को लेकर के। हो गई खरीदारी जो भी खरीदारी करनी थी यहाँ पर, और अब उसके बाद कुछ फल सब खरीदना है, और कुछ दौरा जो होता है जितिया के लिए वो सब खरीदेंगे, फिर चलते हैं घर। और जी जब वहाँ से हम निकल रहे थे तो रोड साइड में बद्धी और डराडोर मिल रहा था। जी जिनको भी नहीं पता कि बद्धी और डराडोर क्या है, तो जी बद्धी और डराडोर जो है वो ये होता है कि बद्धी को जो है गले में पहना जाता है, और जो डराडोर होता है उसको कमर में बांधा जाता है, और हमारी पूजा में ये सब भी चढ़ता है। फिर जो उसी के बगल में देखिए कुछ मिट्टी का सामान मिल रहा है, तो और ये ले लीजिए एक बैंक। हाँ, पिगी बैंक। और आपका भी जितना भी पैसा होगा ना, हाँ। सारा इसमें जाएगा। फिर जी जिया ले रही है टोकरी, इसी टोकरी में पूरे जो पूजा का फल का सामान होता है इसको रखा जाता है, जो चढ़ावा के लिए चढ़ाया जाता है। होगी और क्या लेना है? और अनार लेना है। जी अभी हमारी कुछ खरीदारी हुई है, और कुछ बाकी है। इतना भीड़ है।
इसके यहाँ का डिमांड भी ज्यादा रहता है ना। हाँ पता है बहुत फेमस है यहाँ का गजा। क्या है? हाँ मटर। हाँ यूट्यूब देखते हैं भैया, पर ये वीडियो डलता है। चलो चलो सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ गया आप ही के बहाने। तो जी अभी देखा आपने, हमने एक सब्सक्राइबर बढ़ा लिया था। सामान खरीदते खरीदते तो हम धोते हैं जब। पैसा है कि नहीं? काजू किशमिश यही लेना है ना बस, सारा भी लेना है ना जी। ये बोलो तो हम एक और सब्सक्राइबर अपना बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। आज सामान खरीदने के साथ साथ अपना सब्सक्राइबर भी बढ़ा रहे हैं। ये रहा हमारा चैनल भी, एक और सब्सक्राइबर बढ़ गया, बधाई हो। जितिया भी होगा है खाए। तो आज हमने जितिया की सारी शॉपिंग कर ली और कल जितिया है, आज रात 9 बजे से लेकर परसों तक उपवास। तो जी अब चलते हैं घर, बैठो। चले हाँ। चले हाँ। पक्का पक्का चल दे हाँ। लो चल दिए अब तुम कहो बात नहीं मानी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी घर जाने की बात। मेरे घर लेके चलो तो। घर लेकर के चल रहे हैं, तुम्हारा घर बिल्कुल तुम्हारे ही घर लेके जा रहे हैं। तुम बोलो और हम लेके नहीं जाए। मुझे मायके जाना है, लड़का दिया। तुम्हारा घर मेरा घर, मेरा घर तुम्हारा घर है ना। तब क्या दिक्कत? A few moments later, फाइनली माँ घर आ गई और मम्मी का खाना पीना हो गया रात का। अभी कितना बज रहा है? 8:30। तो 9 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है अब? नहीं। 9 बजे से लेकर कब तक? अब परसों सुबह तक। तो बजे के बाद तो आज था नहाए खाए और कल है जितिया, कल से ही शुरू हो रहा है। कल उपवास है, आज 9 बजे तक खाना पीना है। हाँ। फिर आज से कल दिन रात परसों 6 बजे के बाद व्रत टूटेगा। तो नहाए खाए में क्या होता है आज टोटल? आज का जो विधि है एक तरह से, आज बाल धो के स्नान कीजिए। हाँ। उसके बाद अपने पूर्वज, अच्छा माँ दादी सास अजिया सास भगवान जितवाहन को अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए हर माँ कामना करती और उसी को प्रसाद चढ़ा करके उसके बाद ग्रहण किया जाता है। उससे मिथिलांचल में मरुआ रोटी और मछली का भी प्रावधान है और जो वैष्णव है वो कल नहीं खाती। अच्छा यही है जितिया? वही है। तो बहुत लोग मछली नहीं खाता है और किसी किसी जगह बनता भी है, तो सबका अपना अलग अलग अपना प्रथा है। तो जी इसीलिए आप लोग ऑफेंड नहीं होइएगा, हमारे यहाँ प्रथा है कि मछली खाना शुभ माना जाता है किसी भी व्रत से पहले। किसी भी व्रत से पहले नहीं, जितिया से पहले। अच्छा जितिया से पहले, जितिया व्रत के नायक है और किसी में। अच्छा अच्छा। जितिया में से माछ मड़वा, माछ मड़वा का मतलब है जो कोई भी चीज पर जीत ले। तो ये था जितिया के बारे में और नहाए खाए के बारे में जो माँ ने कुछ बता दिया, और कल जो भी होता है कल आपको बताते हैं।